प्रकाश नाम है मेरा, नक्काशी का कारीगर हूँ। बड़ी मेहनत से काम करता हूँ आंखें गड़ा के। ये मेरा दोस्त सुरेश बोलता है मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, आर्टिस्ट। महंगी महंगी अंगूठी हार बनाता हूँ पर अपना दाम बहुत सस्ता है। इतनी मेहनत के बाद दो टाइम का खाना मिल जाए उतना ही बहुत होता है। ऐसे में पलटू के स्कूल की फीस, बाप रे। मैं खुद पढ़ लिख नहीं पाया पर बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। ये बोलती है एक हफ्ते में फीस नहीं दी तो पलटू को स्कूल से। सोचा सुरेश से हेल्प लूंगा। पर वो मालूम नहीं कहाँ गया, काम पे भी नहीं आया। कुछ लोग बोल रहे सुरेश अब काम पे आएगा ही नहीं, सेट हो गया है, बैगन भरते की जगह पनीर पकौड़े खाएगा, ये वो। कोई तो पक्का लॉटरी लग गई है उसकी। अपनी भी काश ऐसी कोई लॉटरी। अगले साल का प्रॉमिस दिया है पलटू को, एडमिशन करा के दूंगा। कैसे होगा मालूम नहीं। अभी पिछले महीने 50 रुपए में जितना सब्जी मिलता था उसका आधा नहीं मिलता आज। कैसे चलेगा मालूम नहीं। अचानक मिला सुरेश एक साल बाद, नई सॉलिड बाइक। कोई तो सच्ची लॉटरी लगी रहेगी इसकी। मैंने पूछा तो हंसने लगा, बोला शाम को उसके घर आऊं वाइफ और पलटू को लेके, बैगन भरते की जगह पनीर पकौड़े खिलाएगा। घर मस्त बनाया उसने, नया फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। पिछली दिवाली घर पे अंधेरा था, इस बार बिना दिवाली के भी रोशनी है। बच्चों के नए खिलौने फैंसी टाइप के। मैंने पूछा कौन सी लॉटरी लगी है तो बोला ये लॉटरी नहीं है, ये जेम एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की पहल है, जिसने हम जैसों के बारे में सोचा है, जिनके पास हुनर तो है पर उस हुनर का कोई सबूत नहीं है। सुरेश ने बताया कि हमें जो इतने सालों का अनुभव है अपने काम में, उस अनुभव को एक पहचान की जरूरत है, और यही पहचान उसे GJSEI के RPL प्रोग्राम ने दी, जो उसे तरक्की की ओर ले जा रहा है। मैंने फटाफट GJSEI का फॉर्म भरा। तरक्की का हक तो सबको है ना। कुछ घंटों का ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें हमें IPR ट्रेनिंग मिलती है। इन नई मशीनों में सोल्डिंग के लिए कैडमियम जैसी हानिकारक गैस की जगह EDM का इस्तेमाल करते हैं। नई मशीन के साथ साथ नई तकनीकों के बारे में भी पता चलता है। ये ट्रेनिंग हम अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग से मेरा काम करने का तरीका ही बदल गया। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट, इसको बताया तो बहुत खुश हुई। कितने दिन बाद हंसते देखा इसे। स्कूल कभी गया नहीं, आज पहली बार सर्टिफिकेट मिला, वो भी गवर्नमेंट से। अच्छा लगा। नई जगह, अच्छी नौकरी, मेरी भी लॉटरी लग गई। यहाँ सब मस्त लेटेस्ट मशीन, बढ़िया औजार, पूरी सुरक्षा, ना कोई कमर दर्द की दिक्कत, बढ़िया आराम कुर्सी, किसी का भी अपने आप काम करने का मन कर जाए। यहाँ अच्छे काम की वक्त है।
मैं सच्ची में आर्टिस्ट बन गया। प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस सब करा के दिया कंपनी ने। मैंने कभी नहीं सोचा, पर इन्होंने सोचा मेरे भविष्य के बारे में। नई बाइक आ गई और बहुत सारी खुशियां भी। पलटू को एडमिशन भी मिल गया, एडवांस में फीस भर दी मैंने। सुरेश ने मेरी लॉटरी लगवा दी और अब मैं बाकी सबकी लॉटरी लगवाने में लगा हूं। इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, थोड़ी तरक्की तो बनती है ना, और वो तरक्की दिलाता है GJSCI।